निमेश, आज रक्षाबंधन है और ऐसे में निवेश के रक्षा सूत्र और पिक्स आप कौन सी हमारे दर्शकों को इस शुभ मौके, शुभ मुहूर्त पर रेकमेंड कर रहे हैं, बताएं। देखिए, रक्षाबंधन के लिए जो बहन है उसके लिए मेरा जो गिफ्ट है वो यही है कि एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्टॉक अच्छा है। उसके अंदर से हम लोग ऑटो सेक्टर की बात कर रहे हैं, मारुति जो है वो मैं बाय करने का देता हूँ। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मारुति ने आज, आप हम लोग देख रहे हैं कि लाइफ टाइम हाई जो है वो स्टॉक ये लेवल पे ट्रैक कर रहा है, बट ये लेवल हमको आज से 4 साल पहले देखने को मिले थे और 4 साल में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, कोरोना भी देखा और फिर से अभी जो Q1 के रिजल्ट आए थे उसके अंदर देखें तो कंपनी जो है वो फोकस कर रही है, वो नए लॉन्चेस पे कर रही है, खास करके मिड सेगमेंट के अंदर, जिसके अंदर अभी रिसेंटली कंपनी ने ग्रैंड विटारा लॉन्च की थी, फ्रॉक्स भी लॉन्च किया है, जिमी भी लॉन्च कर रही है और रिसेंटली इनवेट को भी लॉन्च किया है। तो मुझे लग रहा है कि मिड सेगमेंट के अंदर जिसकी प्राइस एंट्री लेवल से ज्यादा है, करीब 12 लाख से 20 लाख के आसपास की रेंज में जो कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, उससे डेफिनेटली उसके जो रियलाइजेशन है वो इम्प्रूव होंगे। सेकेंड थिंग, कंपनी जो है वो कॉस्ट कटिंग पे भी काफी फोकस कर रही है, जिससे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मार्जिन स्टेबल रहने के चांसेस ज्यादा है। सेकंड थिंग, हम लोगों ने देखा था कि 2 दिन पहले टोयोटा ने एक फ्लेक्स फ्यूल, फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल कार जो है वो उसका इनोवेशन किया था और मुझे लग रहा है कि अगर वो मार्केट आती है नियर टर्म में तो टोयोटा और मारुति का दोनों का जो टाइप है अपने अपने प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे की कार को लॉन्च करना, तो मुझे लग रहा है कि एक फर्स्ट मोर एडवांटेज, टोयोटा जो कि लिस्टेड कंपनी नहीं है, मुझे लग रहा है कि मारुति जो है वो उसके फर्स्ट मोर एडवांटेज आने वाले दिनों में मिल सकता है इन द टर्म्स ऑफ फ्लेक्स फ्यूल इंजिन। तो ये भी एक काफी पॉजिटिव न्यूज है कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए। सेकंड थिंग, कमोडिटी का प्राइस भी देखो तो भी काफी सॉफ्टनिंग हो गए, तो जिससे लग रहा है कि नियर टर्म में मार्जिन जो है वो इंटेक्ट रहेंगे। तो ऑल ओवर मारुति एक लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि आने वाले फेस्टिव दिनों में अच्छी डिमांड रहने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। इवन इंटरेस्ट रेट जो भी है वो एक हाई लेवल पे है और यहाँ से इंटरेस्ट रेट कट आता है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज रहेगा। तो ऑल ओवर मारुति ये लेवल से मुझे काफी अच्छा लग रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 से 6 महीने के लिए आज मैं बाई करने का रिकमेंड दे रहा हूँ। 11,500 का टारगेट प्राइस मारुति में आने वाले दिन में मिल सकता है, तो करंट लेवल से एज वेल एज बाय और डिप्स की स्ट्रेटेजी से मारुति बाय करना है रक्षाबंधन के लिए। चलिए, तो मेरे ख्याल से रक्षाबंधन के दिन ये है रक्षा सूत्र, जो कि स्टॉक रिकमेंडेशन लंबी अवधि के लिहाज से दिए जा रहे हैं निमेश की तरफ से। धन्यवाद निमेश, आपका समय निकाला और दर्शकों को टिप्स दिए, लेकिन हम एक